हेलो चिल्ड्रेन, आई एम माला मैम। आज मैं आपको क्लास टू का साइंस का चैप्टर टू का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगी। कल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाई थी, आज मैं आपका सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। कल हमने पढ़ा था प्लांट्स सो यूजफुल, इसका एक पार्ट हमने पढ़ाए थे। आज हम आपको सीरियल एंड पल्सेस पढ़ाऊंगे। सीरियल एंड पल्सेस, सीरियल मतलब होता है अनाज और पल्सेस मतलब दाल। सीरियल्स और फूड ग्रेन्स आर द सीड ऑफ प्लांट डाइट वी ईट एज फूड। सीरियल और फूड ग्रेन्स पौधों के बीज होते हैं जिसे हम भोजन के रूप में खाते हैं। व्हीट, राइस, ओट, मेज एंड बार्ली आर सम एग्जाम्पल्स। ये सब सीरियल्स हैं, व्हीट, राइस, ओट, मेज एंड बार्ली, ये सब सीरियल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं सीरियल्स के। सीरियल्स आर मेड इनटू फ्लोर एंड देन यूज टू मेक रोटी, ब्रेड एंड अदर फूड आइटम्स। सीरियल्स को हम लोग पहले फ्लोर बनाते हैं और फिर उसको रोटी या ब्रेड या और भी कुछ दूसरी चीज़ें बनाने में हम उसका प्रयोग करते हैं। पल्सेज आल्सो नोन एज दाल, पल्सेज को दाल भी हम लोग कहते हैं। आर द सीड्स ऑफ प्लांट्स, पल्सेज जिसको हम लोग दाल भी कहते हैं, ये भी पौधों के सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। पल्सेज नीड टू बी सोक्ड एंड कुक्ड बिफोर ईटिंग। पल्सेज को या तो फुलाते हैं, पानी में भिगोते हैं, या फिर उसे पका करके हम लोग खाते हैं। ये सब देखो, ये पल्सेज हैं, ये सब आप देख रहे हो, पहचानते होगे ये सब को। देखिए ये सभी हैं पल्सेज हैं, यहाँ देखिए ये है व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, बार्ली, ओट, ये सभी सीरियल्स हैं, ये सभी पल्सेज हैं। कॉर्न आल्सो कॉल्ड मेज इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर सीरियल क्रॉप। कॉर्न को मेज भी कहा जाता है, इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर सीरियल क्रॉप्स। ये जो अनाज का ये जो फसल है, ये बहुत ही पूरे संसार में इसे उगाया जाता है, ये संसार का बहुत बड़ा क्रॉप है, फसल है। इट इज यूज्ड एज फ्लोर टू मेक ब्रेड, टू प्रोड्यूस ब्रेकफास्ट सीरियल एंड टू मेक पॉपकॉर्न। इसका यूज हम लोग आटा बना करके, इसको आटा बना करके रोटी के रूप में इसको यूज करते हैं, ब्रेकफास्ट में इस सीरियल का यूज करते हैं, पॉपकॉर्न के रूप में हम इस सीरियल का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। स्वीट कॉर्न इज ग्रोन एंड सोल्ड एज ए वेजिटेबल टू। स्वीट कॉर्न उगाया जाता है और उसे वेजिटेबल के रूप में बेचा जाता है। अब हम स्पाइसेज के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइसेज मीन्स होता है मसाला, जिसे हम लोग भोजन में यूज करते हैं। वी गेट मैनी स्पाइसेज फ्रॉम प्लांट्स, हम लोगों को पौधों से कई प्रकार के स्पाइसेज मसाले मिलते हैं। स्पाइसेज ऐड फ्लेवर, टेस्ट एंड कलर टू आवर फूड। मसाले हमारे भोजन में हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं, फ्लेवर बढ़ाते हैं और रंगीन बनाते हैं, हमारे भोजन को कलर देते हैं। कार्डोमम, पीपर, क्यूमिन सीड्स, मस्टर्ड, क्लोव, जीरा, टर्मरिक और हल्दी, बे लीफ एंड सेफ्रन आर सम कॉमन स्पाइसेस। ये सब स्पाइसेस के नाम है, मसाले का नाम है। कार्डोमम, पीपर, क्यूमिन सीड्स, मस्टर्ड, क्लोव्स, जीरा, टर्मरिक या हल्दी। टर्मरिक और हल्दी एक ही चीज़ है, हल्दी को ही टर्मरिक भी कहा जाता है, टर्मरिक को हल्दी कहा जाता है। बे लीफ मतलब होता है तेज पत्ता, जो आप लोग सब्जी में खाते होगे। एंड सेफ्रन यानी केसर आर सम कॉमन स्पाइसेस, ये सब मसाले हैं। मैनी स्पाइसेस हेल्प अस टू फाइट सिकनेस, कई मसाले हमें बीमारियों से
बचाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑयल के बारे में। ऑयल यानी तेल। वी गेट ऑयल फ्रॉम प्लांट्स। ऑयल भी हमें पौधों से ही मिलता है। द सीड ऑफ प्लांट्स आर क्रश टू मेक ऑयल। पौधों के सीड को क्रश किया जाता है, यानी कि उसे क्रश करने का मतलब यानी कि उसको निचोड़ा जाता है, मिल में उसे क्रश किया जाता है, पेरा जाता है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। ऑयल आर यूज्ड इन कुकिंग। तेल का प्रयोग खाना बनाने में, रसोई बनाने में होता है। प्रिजर्विंग फूड एंड मेडिसिन। खाना बनाने में भी इसका प्रयोग होता है ऑयल का। प्रिजर्विंग यानी भोजन को प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखने के लिए बहुत दिन तक। जैसे कि हम लोग घर में, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी अचार वगैरह लगाती हैं जिसमें तेल डाला जाता है, जिससे कि वो बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है, उसे हम प्रिजर्वेशन कहते हैं। फूड एंड मेडिसिन। तेल का प्रयोग मेडिसिन यानी दवाई बनाने में भी किया जाता है। यहाँ आप चित्र देखेंगे, ये है ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स। पौधों से तेल बनता है। ये देखो सनफ्लावर है, सनफ्लावर से भी तेल बनता है। टी कॉफ़ी एंड शुगर के। चाय, कहवा और गन्ना के बारे में हम पढ़ेंगे। टी एंड कॉफ़ी आर द मोस्ट कॉमन ड्रिंक इन द वर्ल्ड। टी और कॉफ़ी बहुत ही कॉमन ड्रिंक है पूरे संसार में। इसे पूरे संसार के लोग ड्रिंक में यूज करते हैं, चाय पीते हैं, कहवा यानी कॉफ़ी भी पीते हैं, और ये पूरे संसार के लोग पीते हैं। टी इज़ मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट। टी इज़ मेड, चाय बनाई जाती है फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट, टी प्लांट के पत्तों से। टी का एक पौधा होता है, उसके पत्तों से चाय पत्ती बनती है, जिसे हम लोग घरों में चाय बनाने में यूज करते हैं। कॉफ़ी इज़ मेड फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स और सीड ऑफ द कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी बीन से बनता है, जो कॉफ़ी प्लांट का जो सीड होता है उससे कॉफ़ी बनाई जाती है। वी गेट शुगर फ्रॉम द शुगर केन प्लांट। हमें शुगर यानी चीनी हमें गन्ने के पौधे से मिलता है। ये है आपका एक्टिविटी। व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर लास्ट नाइट। व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर लास्ट नाइट, पिछली रात को आपने डिनर में क्या खाया था। व्हाट ऑल डिड यू ईट, आप सबने क्या खाया था। Which of the food items were plant product, उसमें से कौन सा भोजन था जो कि पौधों से हमें मिलता है। Think and fill in the table below with the information। इस information से नीचे का जो ये blanks है, देखिए ये, इसे आपको भरना है कि कौन सा भोजन जो आपने पिछली रात को खाया वो कौन सा पौधों से आता है, और पौधे का वो कौन सा भाग है, ये आपको इसमें भरना है। जैसे कि आपने कल रात में रोटी खाई, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि वो रोटी कहाँ से आता है, तो प्लांट से आता है, किस प्लांट से आता है उसका नाम लिखना है, और यहाँ पे वो पौधे का कौन सा भाग है। जैसे वीट है तो वो वीट सीड है, पौधे का वो सीड है, तो आप यहाँ पे सीड लिखेंगे। अदर यूजेज ऑफ प्लांट, पौधों का और क्या यूज है। वी गेट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स, हमें पौधों से फाइबर भी मिलता है। फाइबर यानी कि रेशा। फाइबर्स आर मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स सच एज क्लॉथ्स, रोप्स एंड बैग्स। फाइबर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं,
बहुत सारी चीज़ों में उसका प्रयोग किया जाता है बनाने में, जैसे कि कपड़ा, रोप्स यानी रस्सी, बैग्स यानी थैला, इन सभी चीज़ें फाइबर से बनाई जाती हैं जो कि हमें पौधों से मिलता है। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, हमें कॉटन यानी रुई हमें रुई के पौधे से मिलता है। वुड इज़ यूज्ड फॉर मेनी पर्पोजेज सच एज फॉर मेकिंग फर्नीचर, डोर्स, विंडोज, बोर्ड्स, कार्ड्स, टॉयज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड किचन यूटेंसिल्स। वुड यानी लकड़ी, लकड़ी का प्रयोग बहुत सारी पर्पोजेज, बहुत सारे काम में यूज किया जाता है, जैसे कि लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं, फर्नीचर यानी टेबल, कुर्सी, सोफ़ा, डोर्स बनाए जाते हैं, दरवाजे, विंडो, बोर्ड्स यानी नाव, कार्ट्स यानी गाड़ी, टॉयज मतलब खिलौने, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो जानते हो, वाद्य यंत्र यानी जो बाजा, जैसे कि यह ढोलक हुआ, तबला हुआ, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो सब बनाए जाते हैं। एंड किचन यूटेंसिल्स, और रसोई के भी बर्तन लकड़ी से बनाए जाते हैं। वुड इज द स्टेम और द ट्रंक ऑफ ट्री, लकड़ी पौधों के या तो स्टेम होते हैं या फिर ट्रंक का, पौधे पेड़ का ट्रंक होता है। ट्रंक तो आप जानते होंगे, पेड़ का जो तना होता है, मोटा सा तना, वो होता है लकड़ी का ट्रंक कहलाता है। तो लकड़ी ट्री से आता है। वुड इज द स्टेम और द ट्रंक ऑफ ट्री, लकड़ी पेड़ के या तो ट्रंक होते हैं या स्टेम होते हैं। प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड अस विथ फॉर फायर वुड फॉर कुकिंग एंड कीपिंग अस वार्म इन विंटर्स, पौधे हमें उपलब्ध कराते हैं फायर वुड। फायर वुड मीन्स होता है जलावन। गांव में लोग लकड़ियों से खाना बनाते हैं, जिस लकड़ी से खाना बनता है, जिसको हम जलावन के रूप में यूज करते हैं, उसे हम फायर वुड कहते हैं। फायर वुड फॉर कुकिंग एंड कीपिंग अस वार्म इन विंटर, और लकड़ी जला करके हम लोग अपने आप को गर्म रखते हैं। वंस अगेन, प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड अस विथ फायर वुड, पौधे हमें जलावन भी उपलब्ध कराते हैं खाना बनाने के लिए और जाड़े के दिनों में अपने आप को गर्म रखने के लिए। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, फ्लावर्स पौधे का सबसे सुंदर पार्ट होता है जो हमें पौधों से मिलता है। फ्लावर्स दैट हैव अ स्वीट स्मेल आर यूज टू मेक परफ्यूम एंड सोप, फ्लावर जो हमें अच्छी सुगंध देता है, जिसका प्रयोग हम परफ्यूम और साबुन यानी इत्र, परफ्यूम मीन्स होता है इत्र या साबुन बनाने के रूप में करते हैं। ए बंच ऑफ फ्रेश फ्लावर्स और अ बुकेट मेक्स अ नाइस गिफ्ट, बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स, ताजे फूलों के गुच्छे का जो बुकेट होता है, वो एक बहुत ही अच्छा उससे गिफ्ट बनता है, उपहार बनता है, जिसे हम लोग किसी ओकेजन पे गिफ्ट करते हैं, उपहार के रूप में देते हैं। दे आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज, फूलों का प्रयोग हम लोग सजावट के लिए या त्यौहार में, त्यौहार और किसी भी समारोह में सजावट के रूप में हम इसका यूज करते हैं। वी गेट पेपर फ्रॉम प्लांट्स, पेपर यानी कागज़ भी हमें पौधों से मिलता है। रबर इज मेड फ्रॉम द जूस ऑफ द रबर ट्री, रबर
पेड़ के रबर के पेड़ के जूस से बनता है। इट इज़ यूज टू मेक इरेजर एंड टायर्स। इसका प्रयोग इरेजर यानी रबर, जो इरेजर हम लोग आप लोग लिखने के बाद जो मिटाते हैं इरेजर, और टायर बनाने के काम आता है। वी गेट गम फ्रॉम द अकेसिया ट्री। हम लोग वी गेट गम फ्रॉम अकेसिया ट्री। गम हमें अकेसिया ट्री से मिलता है। गम यानी चिपकाने के लिए जो गोंद होता है उसे हम गम कहते हैं। गम इज़ यूज टू मेक ग्लू। गम का प्रयोग ग्लू बनाने में आता है। ग्लू जो हम लोग कागज़ चिपकाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। प्लांट गिव अस फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेज, स्पाइसेज, शुगर, टी, कॉफ़ी एंड शुगर केन। वी आल्सो गेट फाइबर, वुड एंड फ्लावर फ्रॉम प्लांट्स। ये है आपका रिकैप। इसे भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इसे याद करने की कोशिश करेंगे। पिक्चर डिक्शनरी। स्पाइसेज, स्पाइसेज किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ प्लांट डैट आर यूज टू ऐड फ्लेवर टू फूड। पौधा का वो पार्ट जो भोजन में फ्लेवर बढ़ाने के लिए किया जाता है। शुगर केन, द जूस ऑफ दिस प्लांट इज यूज टू मेक शुगर। शुगर केन का जूस चीनी बनाने के काम आता है। ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताऊंगी।